Why Kellogg's Field? ये कहानी शुरू होती है 1898 के अंदर, जब डॉक्टर जॉन हार्ली केलोग अपने किचन में ग्रेनोला बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस टाइम पे वो गलती से गेहूं के दाने को फ्लिक कर देते हैं, जिसको आज हम सब कॉर्नफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। 19 फरवरी 1906 में इस दिन को वो अपने भाई विलियम केलोग के साथ मिलकर बेटल क्रेक टोस्टेड कॉर्नफ्लेक्स कंपनी की शुरुआत करते हैं। 1991 में सिंह ने एक न्यू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी अनाउंस करी। इसके बाद फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने की अनुमति मिली। 9 बिलियन का रेवेन्यू और 18 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट के बाद ये कंपनी इंडिया में आने का फैसला करती है। इसके दो रीजन थे, नंबर वन इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन, एंड नंबर टू इंडिया में फॉरेन कंपनीज की वजह से लोगों के पास अब ज्यादा पैसा है खर्च करने के लिए। 1994 में केलॉग्स इंडिया में लॉन्च होता है। इंडिया में आते ही इन्होंने धमाका कर दिया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से केलॉग्स के शेयर 18% डाउन हो गए और 1995 आते आते केलॉग्स ने अपना 80% मार्केट शेयर खो दिया। हम में से ज्यादातर लोग मार्केटिंग में 4P को जानते होंगे। इसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्ट, सेकंड आता है प्राइस, नंबर थर्ड इज प्लेस एंड फोर्थ इज प्रमोशन। केलॉग्स यूएस में बेचे जाने वाले कॉर्नफ्लेक्स को इंडिया में लाई, बट 100 में से 3% लोग ही इसे वापस बाय करने को आते थे, एज इंडियन पीपल को गर्म दूध में इसे मिला के खाने से ये खिचड़ी जैसा बन जाता था। घटती हुई मार्केट सेल्स को बचाने के लिए उन्होंने कैंपेन शुरू करा, जिसमें इंडियन ब्रेकफास्ट को क्रिटिसाइज करके कॉर्नफ्लेक्स को हेल्दी दिखाया, बट इसकी वजह से लोगों की कंपनी के प्रति हेट बढ़ गई। अगेन मार्केट में एंटर करने से पहले उन्होंने स्टडी करी। फर्स्ट, इंडियन मार्केट में लोगों को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी नहीं बल्कि क्रिस्पी एंड हार्ड कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, एज दे कंज्यूम विद हॉट मिल्क। सेकंड, फ्रूगल बाइंग। केलॉग्स उन्हें 65 रुपीज का पड़ता था, वहीं दूसरी कंपनी का 37 रुपीज में। थर्ड, एवरीवन इज हार्टेडली अटैच्ड टू देयर कल्चर, तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदल के पूरा प्रोडक्ट ही बदल दिया। उन्होंने एजुकेटिंग एंड नॉट सेलिंग की स्ट्रेटेजी अपनाई, प्रोडक्ट एक्सटेंशन करा और केलॉग्स में फ्रूट फ्लेवर एड करे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करी, मुंबई में तारोजा नाम की जगह पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, 200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क तैयार करा। अगर बात करें इनके लाइसेंस की, तो फर्स्ट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स शुड ऑलवेज बी स्मार्ट, सेकंड कंज्यूमर बिहेवियर बिफोर प्रोडक्ट, थर्ड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हाथ बढ़ाओ व्यापार बढ़ाओ, डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।